हेलो बच्चों वेलकम टू अ डाउटनेट डाउट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों तो आज से बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो भाई ये आपको बोर्ड्स एग्जाम में तो आपकी हेल्प करता ही करता है उसके अलावा इलेवेंथ में ट्वेल्थ में और जब आप जेई की प्रिपरेशन भी करते हैं वहां पर यह आपकी हेल्प करता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है

कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मैथड क्वाडिटिक फॉर्मुला जो कि कम्प्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मैथड वहीं से निकल करके एक्चुअल में आता है ठीक है बच्चों उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें तो इन पर बेस्ड क्वाडिटिक्वेशन की फॉर्मेशन पर बेस्ड आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है सिचुएशनल प्रॉब्लम जो कि बोर्ड एग्जाम में भी इस पर बेस्ड डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है वो भी थ्री से फोर मार्क्स का आता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ़ वेटेज की बात करूं तो फाइव टू सिक्स के क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर से आपको देखने के लिए मिलते हैं तो बहुत ही बेसिक से सभी चीजों को बताऊंगा बहुत आज के लेक्चर में मिलने वाला है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं एक नजर मार लेते हैं क्वाडिटिक इक्वेशन उनका जनरल फॉर्म और सॉल्व करने के मैथड ठीक है चलिए बच्चों आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करें, बच्चों आप सभी ने जो आपका सेकेंड चैप्टर था पॉलिनॉमल्स उस चैप्टर को सभी ने पढ़ा होगा पॉलिनॉमल्स में हमने अलग अलग पॉलिनॉमल्स के बारे में देखा था लीनियर पॉलिनॉमल्स क्वाडिटिक पॉलिनोम क्यूबिक पॉलिनोम तो एक्चुअल में क्वाडिटिक पॉलिनोम जो आपने पढ़ा है ना बच्चों अगर हम उसको इक्वेशन के फॉर्म पर लिखें तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ठीक है बच्चों तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जो जनरल फॉर्म होता है सबसे पहले उसको देख लेते हैं ठीक है बच्चों और बाकी सारी चीजें जो कुछ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए आपने पढ़ी थी वो सारे के सारे मेथड्स उसको सॉल्व करना उसके रूट्स फाइंड करना यहां पर उन्हीं के अल से हम सोल्यूशन भी फाइंड करते हैं चलिए बच्चों तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें बच्चों तो जैसे कि अगर आपके पास अक्वाडिटिक वेरिएबल एक्स अगर मैं वेरिएबल एक्स के फॉर्म पर अगर मैं बात करूं तो एक्स ये बच्चों हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ठीक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिनोट करता है बच्चों और यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो ए बी सी होते हैं वो आपके बच्चों रियल नंबर्स होते हैं लेकिन लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ए है बच्चों ये नॉन जीरो रियल नंबर होता है ए को हम नॉन जीरो रियल नंबर क्यों लेकर के चलते हैं बी और सी के लिए कंडीशन क्यों नहीं है ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर का A है। अगर आपका आपका जीरो हो गया तो X वाला टर्म खत्म हो जाएगा वो बचेगा ही नहीं तो इस कंडीशन पर ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे जरूरी ये है कि इसका कॉफिशियंट एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए तो ए Not equal to zero, ठीक है बच्चों? तो तो ये तो basically हमारे पास फॉर्म होता है आपके quadratic equation का, ठीक है है, बच्चों? बच्चों और और ऐसे ही आपने quadratic के बारे में पढ़ा था, तो इसके इससे related और भी सारी चीजें हैं कि भाई इसका जो graphical representation होता है, जैसे कि आपने देखा होगा में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई जो हमारा पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है अगर मैं एक्स की अलग अलग वैल्यूज को पुट करूं ग्राफ पेपर पर तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक तो हम अपने डेली लाइफ में नजर जाने ऐसे कितने सारे फिगर्स देखते हैं जो कि पैराबोलिक सेप के होते हैं बच्चों ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ब्रिज है इसका जो जो सेप बन रहा है इनके जो वायरिंग गई है ये भी पैराबोलिक है आपका यहां पर आप देख पा रहे हो ये भी बच्चों पैराबोलिक स्ट्रक्चर है।, पैरा है।, तो है तो फॉलो करती होता है जो अगर मैं बात करी गन को अगर आप चलाते हो तो उससे जो बुलेट निकलने वाली है वो भी एक तरीके से पैराबोलिक पथ को फॉलो कर रही होती है तो बच्चों कहीं ना कहीं हम बात करें तो इसका इन्वॉल्वेंस आप देखेंगे तो भाई कंस्ट्रक्शन या फिर अगर हम बात करें तो आपके फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पर जहां पर भी हम आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा होगा ठीक है तो उन सभी जगहों पर बच्चों ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है और इसके सॉल्यूशन फाइंड करने में आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसके सॉल्यूशन के मेथड्स की जो कि आपको इस लेक्चर में बच्चों सीखने को मिलने वाला है चलिए बच्चों तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार पूछा गया है कि भाई आपके पास इक्वेशन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा कि बताइए ये इक्वेशन इक्वेशन आपका एक क्वाड्रेटिक है या नहीं तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हमें हमें कैसे सॉल्व करना है सबसे पहली बात कि हमें सिर्फ देख करके नहीं बताना कि भाई यहां पर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस में वन इक्वल टू टू, टू एक्स माइनस थ्री है तो बच्चों जब भी ऐसी कंडीशन क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप क्या करिए उसको ओपन करिए एक्सपेंड करिए जैसे कि यहां पर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में आपके पास फोर एक्स प्लस माइनस में थ्री अब जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा सॉल्व करो हां अगर पूरा सॉल्व करने के लिए आए तो आप इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड इस फॉर्म पर कन्वर्ट करो जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर आ गया माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स यहां पर माइनस का सिक्स एक्स आ जाएगा फोर प्लस वन फाइव और यहां पर थ्री एड करेंगे तो प्लस में एट ठीक है बच्चों तो ये बेसिकली अगर हम यहां पर देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया इसका मतलब है है कि ये जो इक्वेशन क्या बच्चों आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है क्लियर हुआ बच्चों समझ में आया चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि x इंटू में एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू में एक्स माइनस टू अब यहां पर कई सारे बच्चे सोचेंगे सर यहां पर x की पावर टू वाला कोई टर्म नहीं है तो क्या ये क्वाड्रेटिक तो साइन नहीं होगा लेकिन ऐसी गलती नहीं करना ठीक है हमें चेक जरूर से करना है तो उसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करें सिंप्लीफाई करके देखें कि स्क्वायर वाला अगर उसमें टर्म है स्क्वायर वाला कोई भी टर्म अगर उसमें अवेलेबल है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो जैसे कि बच्चों अगर मैं यहां पर एक्स से अंदर पे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में एट और यहां पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस में फोर चलिए आपने कहा कि सर एक्स स्क्वायर वाले टर्म है ये क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन ध्यान से देखिए, इक्वल के लेफ्ट में भी आपके पास X square वाले टर्म है, और इक्वल के राइट right में भी है तो यहां पर अगर आप इसको एल एच एस में लेकर के जाते हो बच्चों, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देखिए बच्चों

मैंने कहा कि इसको सॉल्व करना जरूरी है अगर आपने एक्स प्लस टू की पावर थ्री को आप एक्सपेंड करते हो तो आप क्या लिखोगे बच्चों यहां पर देखिए यहां पर आप लिखोगे एक्स क्यूब प्लस में थ्री स्क्वायर यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6x सिक्स स्क्वायर ठीक है थ्री स्क्वायर बी तो 6x एक्स स्क्वायर फिर यहां पर हम लिख सकते हैं थ्री तो बनेगा सिक्स ठीक है बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा आपका सिक्स और आई थिंक ये टू स्क्वा थ्री फोर जा, जा तो जाएगा बच्चों आपके पास ट्वेल्व एक्स और उसके बाद अगर आप देखिए टू की पावर थ्री यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं एट देन हमारे पास एक्स क्यूब माइनस में आपके पास फोर है हमने एक्सपेंड कर लिया ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सबको मालूम है ए क्यूब प्लस थ्री ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस में बी क्यूब यही बेटा होता है हमारे पास तो, अगर हम यहाँ पर तो क्या बन गया हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहां पर में में और वाला हमारा आउट तो अब हमारे पास क्या बच गया ये बन गया सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास ट्वेल्व एक्स और एट में से प्लस फोर एड करोगे तो कितना बनेगा बच्चों प्लस में ट्वेल्व इक्वल टू जीरो तो ये भी क्या बन गया बच्चों ये भी हमारे पास से क्वाड्रेटिक बन गया तो ये भी क्या हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो कहीं ना कहीं पर हमें एक चीज ध्यान देना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ओपन करना है इसको जो भी एक्सपेंशन ओपन हो रहा है फिर चेक करना है कि जो लास्ट में बच रहा है, रिजल्ट बच रहा रहा है वो है है रिजल्ट वो क्वाड्रेटिक या नहीं ये देखना हमें बहुत जरूरी है क्लियर हुआ बच्चों तो think, ये ये आई थिंक एग्जाम्पल आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से हमें यह देखना है कि कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है या नहीं आप कैसे बताओगे समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बताइए अगर समझ में आ गया है बच्चों तो अब एक क्विज कर लेते हैं और आपको 45 सेकंड का मैं टाइम दूंगा उतने टाइम पर आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ठीक है बच्चों तो सारे बच्चे रेडी हैं चलो भाई टेस्ट करते हैं छोटा सा आपका तो भाई क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम बच्चों स्टार्ट हो चुका है जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है वेरी गुड बच्चों जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए बी सी डी चार ऑप्शन है बच्चों आपके सामने वेरी गुड बच्चों बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आ रहा है जल्दी 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 सारे बच्चे आंसर करिए टाइम अप होने वाला है जल्दी से जल्दी से टाइम अप होने वाला है जल्दी से आंसर करो चलिए भाई फाइव फोर थ्री टू वन टाइम अप बच्चों चलिए भाई अब टाइम अप होता है अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को ठीक है चलिए तो भाई इनमें से कौन सा क्वाडिटिक है यह पूछा गया था अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस में वन ठीक है एलएचएस पार्ट तो क्वाड्रेटिक है

और अगर मैं 2x का -x में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी माइनस का स्क्वायर बनेगा एलएचएस और आरएचएस में सेम आपके टर्म आ गए वो भी स्क्वायर के वो भी कैंसिल आउट ये भी क्वाड्रेटिक आपका नहीं बनेगा ठीक है बच्चों आप सिंपलीफाई करके चेक भी कर सकते हो उसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं यहां पर बोला है कि k की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है आपको -1 अगर सपोज करेक्ट कर तो हो हो नहीं, तो मतलब नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी पर अगर हम देखें तो एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क् और यहां पर एक्स माइनस वन टू पावर थ्री का एक्सपेंशन है इसको आप ओपन करके चेक कर सकते हो तो होगा एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर यहां पर पर का का एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो तो क्या बनेगा बच्चों कि उसके बाद में ओके तो okay और देन यहां पर आएगा आपका सॉरी ए माइनस बी मतलब वन मतलब चलो भाई तो इसको आप ओपन करके चेक भी कर सकते हो तो आ गया एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर ठीक है क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी ठीक है और प्लस में आपके पास वन का क्यूब वन भी आएगा चलो भाई तो तो ये क्या बन गया हमारे बच्चो? okay, तो यहां गया आपके पास बच्चों से में आपके पास थ्री एक्स प्लस में आपके पास यहां पर क्या आ गया बच्चों वन आ गया ठीक है तो अब आप देख सकते हो कि एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल तो आउट हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर इसको एक तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा तो ये बनेगा थ्री एक्स स्क्सर फिर यहां पर आएगा 0. तो ये बच्चों, क्या हो गया, आपके पास, हो गया. इसका मतलब कि बिल्कुल सही था आपका तो सिंपली अगर आपने ए बी सी को डिस्कार्ड कर दिया तो ऑप्शन नंबर डी को आप इजीली मार्क कर सकते हो क्लियर है बच्चों तो समझ में गया ना कैसे हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इसके बारे में चलिए बच्चों अब मूव करते हैं कि भाई इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है जो सॉल्यूशन बोलते हैं ना सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना कई बार रूट्स पूछ लेता कई बार solution, इसका मतलब आपका सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ज्योमेट्रिकल अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ज्योमेट्रिकली अगर हम बोले कि फॉर एग्जांपल कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनामल है आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोम के जो जीरोस के बारे में पढ़ा है तो जो चीज बच्चों जीरोस होते हैं ना वही एक्चुअल में अगर मैं बात करूं जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल के जीरोस होते हैं वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट और सॉल्यूशन हम उसको बोल सकते हैं दोनों का मतलब अगर हम बात करें दोनों सेम ही है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों ठीक है तो जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल में आपने देखा था कि भाई जो उसका ग्राफ होता है पैराबोलिक ग्राफ जो एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पर कट करता है लाइक like अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो सपोज करिए आपके पास कोई पैराबोलिक कर्व है ठीक अब ये कुछ भी हो सकता है कोई भी इक्वेशन क्वालिटी इक्वेशन हो सकता है तो जिन पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं वो उसके जीरो रिप्रेजेंट करता है और यही पॉइंट यही एक्स की वैल्यू सपोज करो ये एक्स इक्वल टू ए है एंड एक्स इक्वल टू बी है इन्हीं को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन भी बोलते हैं ठीक है बच्चों? तो आइए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो ये तो ये मीनिंग हमको समझ में आ गई। एक्स इक्वल टू सपोज करिए अल्फा कोई रियल नंबर है ठीक है x alpha, और अल्फा सपोज करिए कोई आपका रियल नंबर है इफ ए इंटू में एल्फा स्क्वायर अगर मैं एक्स को एल्फा से रिप्लेस कर दूं और इस इक्वेशन में पुट करूं ए इंटू एल्फाइर बी इंटू एल्फावल टू अगर अगर ये बच्चों हमारा क्या हो जाए ये जो LHS है, ये जो वाला टर्म है पूरा का पूरा जीरो के जाए, मतलब की आर एच एस के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू एल्फा को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों एक्स इक्वल टू एल्फा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे तो बेसिकली

सबसे पहले मेथड जैसे कि द मैथड ऑफ फैक्टोराइजेशन उसके बाद द मैथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर ठीक है बच्चों और थर्ड आता है बच्चों क्वारिटिक फॉर्मूला वैसे अगर मैं बात करूं तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड हैं इनमें कुछ नहीं है हम इसी को समझेंगे फिर क्वारिटिक फॉर्मूला भी यहीं से आपको निकल करके बच्चों आएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड हालांकि आप लोग ऑलरेडी तो क्वाडिटिक में करवा देता हूं ताकिवेशन टू एक्सर माइनस में फाइव एक्स प्लस मे थ्री इक्वल टू जीरो बाई फैक्टराइजेशन अगर फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व करना होता तो हम क्या करते हैं बच्चों जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास टू है और जो कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों थ्री तो टू और थ्री का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है सिक्स मिलता है ठीक है तो बच्चों अब सिक्स को हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है सिंपल सी बात और सिक्स के फैक्टर आपको मालूम ही है कि सिक्स के पॉसिबल फैक्टर वन टू थ्री और सिक्स ही हो सकते हैं ठीक है बच्चों सिक्स के पॉसिबल फैक्टर क्या है वन टू थ्री एंड सिक्स तो अब सिक्स को हमें ऐसे फैक्टराइज करना है वो भी दो फैक्टर्स में कि भाई उन फैक्टर्स का जब यहां पर प्लस का साइन होता है ना बच्चों तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उन फैक्टर्स को ऐड करने पर हमें जो एक्स का साइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो फाइव है एक्स, अगर साइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, तो मान लो फाइव है तो जो मिडिल टर्म है ना वो आ जाए तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो बच्चों सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो टू टाइम एक्स माइनस में

तो मतलब क्या होगा या तो x माइनस वन वाला टर्म जीरो होगा या फिर टू एक्स माइनस वाला टर्म जीरो होगा है ना या फिर दोनों ही टर्म आपके जीरो हो सकते हैं तो यहीं से निकल के आएगा कि एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड 2x minus 3 equal to 0 तो x equal to 1 एंड x equal to 3 by 2 अब आप सोच रहे हो सर ये तो मैंने पहले ही पढ़ा था सर ये तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है बिल्कुल बेटा अगर आपने पॉलीनोमस वाले चैप्टर को पढ़ा है मैंने बोला कि पॉलीनोमस में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के बारे में जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन किया गया ना वो सब कुछ यहां पर यूज में आने वाला है चाहे आपने वहां पर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट पढ़ा है वो सब कुछ यहां पर बच्चों हम यूज भी करेंगे ठीक है तो कुछ भी भूलना नहीं है जरूरत पड़ेगी तो बीच बीच में सब कुछ आपको रिकॉल भी जाऊंगा ठीक है बच्चों तो आर द द ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बोलते हैं बहुत ही बढ़िया बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा चलो भाई तो अब बच्चों मूव करते हैं अगले क्वेश्चन क्यों थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस में टू इक्वल टू जीरो

चले तो यहां पर अगर मैं थ्री और टू का अगर हमने प्रोडक्ट कर दिया तो सिक्स बन गया आपका ठीक है ठीक है अब हम यहां पर देखिए तो हम टू स्क्वायर रूट सिक्स को कैसे स्क्वायर रूट सिक्स इंटू स्क्ट सिक्स आएगा ओके okay, और उसके बाद उनको एड करना पर माइनस में टू स्क्वायर रूट मतलब टू स्क्वायर रूट सिक्स मिल जाएगा तो बहुत ही सिंपल हुआ थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस में अगर मैं यहां पर देखूं तो इसको हमने स्प्रिट कर दिया स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट प्लस में जीरो अब यहां पर जरूरी है कि इनमें कैसे फैक्टर्स हम निकालें ताकि इन दो टर्म को सॉल्व करें इनको सॉल्व करें इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें कॉमन इनके फैक्टर मिल जाए है ना कॉमन इनके फैक्टर मिले ताकि उसको हम कॉमन ले सके तो यहां पर अगर थ्री है ठीक है बच्चों तो एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि थ्री एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट थ्री एक्स का होल ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं देख सकते हो स्क्वायर रूट थ्री ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस में इसको आप चाहो तो स्क्वायर रूट थ्री में स्क्वायर रूट टू में एक्स लिख सकते हो सिमिलरली यहां पर स्क्वायर रूट थ्री में स्क्वायर रूट टू इंटू एक्स प्लस में इसको आप स्क्वायर रूट टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो तो बेसिकली अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो ये एक तरीके से कुछ कुछ समझ में आ रहा है स्क्वायर रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर फिर यहां पर आपका ये ब्रेक हो रहा है कुछ कुछ समझ में आ रहा है बच्चों किस टाइप से निकल के आ रहा है यहां पर बताइए माइनस का साइन है तो दोनों ही टर्म पर माइनस का साइन आएगा तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये आपने एक फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर माइनस में टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर यह उसी फॉर्म पर तो ब्रेक हो रहा है आपका देखिए अगर यहां पर बच्चों आप ध्यान से तो ए स्क्वायर माइनस में टू ए बी प्लस में आपके पास बी तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है एक सेकेंड चलिए स्क्वायर रूट थ्री एक्स माइनस में आपके पास स्क्वायर रूट टू का होल स्क्वायर एक्चुअल में बच्चों यहां पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है हमारे पास स्क्वायर रूट थ्री इंटू एक्स माइनस में स्क्वायर रूट टू का होल स्क्वायर ठीक है यानी कि हम चाहो तो होल स्क्वायर के फॉर्म पर लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहो तो अलग अलग इसको जैसे कि नॉर्मल फैक्टराइजेशन मैं करवा रहा था वैसे भी आप कर सकते हो मतलब कि यहां पर आपने स्क्वायर रूट थ्री एक्स को कॉमन लिया तो यहां पर आएगा आपके पास कितना स्क्वायर रूट थ्री एक्स माइनस में आपके पास कितना स्क्वायर रूट टू आ जाएगा और यहां पर अगर आप देखें तो माइनस का अगर आपने स्क्वायर रूट टू कॉमन ले लिया तो स्क्वायर रूट थ्री इंटू एक्स और माइनस में स्क्वायर रूट टू आ जाएगा इक्वल टू जीरो से भी हमको मिल जा रहा है स्क्वायर रूट थ्री इंटू एक्स माइनस में स्क्वायर रूट टू और यहां पर स्क्वायर रूट थ्री इंटू एक्स माइनस में स्क्वायर रूट टू इक्वल टू जीरो यहां पर अगर हम देखें तो इधर भी दो रूट हमको निकल करके आ रहे हैं ठीक है यानी कि दो रूट्स निकल के आ रहे हैं एक तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू मतलब की स्क्वायर रूट टू अपॉन में स्क्वायर रूट थ्री और दोनों सेम ही आएंगे तो रिपीटेड रूट इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम रिपीटेड रूट बोलते हैं जब दोनों ही रूट आपको सेम मिल रहे हो तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि भाई हमें क्वालिटिक इक्वेशन के रिपीटेड मिल रहे मिलने क्या मिल रहे हैं बच्चों रिपीटेड रहे मिलने चलिए भाई तो ये समझ में आ गया क्लियरली है ना या तो आपको ये आइडेंटिटी आपके माइंड में हिट कर जाए तुरंत कि ये ए स्क्वायर यानी इंटू एक्स का होल स्क्वायर के फॉर्म पर कुछ लिखा है या फिर आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो जो भी आपके माइंड में हिट कर जाए क्लियर है बच्चों तो ये बेसिकली हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया क्लियर है आए समझ में चलिए बच्चो अब अगर मैं नेक्स्ट में बात करूं तो ये तो बेसिकली हमारे पास फैक्टराइजेशन मैथड को हम कैसे करते हैं तो फैक्टराइजेशन मैथड में बस आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको अलग से भी देंगे तो उनसे आप प्रैक्टिस भी करिएगा अब बच्चों बच्चों सॉल्व करने का तो जैसे कि एक जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उससे मैं बच्चों आपको एक्सप्लेन करता हूं जैसे कि अगर हम यहां पर देखें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू बच्चों आपका जीरो होता है ये होता है बच्चों हमारा जनरल फॉर्म अब अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपसे क्या बोलता है वो आपसे ये कह रहा है कि भाई हमको यहां पर इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पर कन्वर्ट करना है ठीक है तो सबसे पहला काम आप एक काम कर सकते हो यहां पर कि जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स अगर मैं पूरे इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दूं तो एक्स पूरे इक्वेशन में अगर मैंने A से डिवाइड कर, 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 कर दिया तो ये हमारे पास निकल करके आ गया अब देखिए आप सभी ने जो दो वेल नोन आइडेंटिटी है ना वो यहां पर आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है जैसे कि एक तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस में आपके पास टू ए बी इसको अगर हम दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में लिखें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा जैसे कि सपोज करो u आपके पास वी स्क्त तो अब कुल मिलाकर के बच्चों ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स ये वाला जो टर्म है ना बच्चों दो टर्म है इसको हमें किस फॉर्म पर कन्वर्ट करना है दो टर्म्स के यानी कि बाइनोमियल के यानी कि दो टर्म्स के स्क्वायर के टर्म फॉर्म पर हमें इनको इस फॉर्म पर कन्वर्ट करके लेकर के आना है और ऐसा करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा हमें इस फॉर्म से होकर के पास करना होगा जैसे कि एक्स स्क्वायर आपके पास फर्स्ट टर्म है तो ये हमारे पास यू स्क्वायर के प्लेस पर एक्स स्क्वायर है अब बी अपन ए हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं ध्यान से समझिएगा बच्चों एक्स स्क्वायर तो ठीक है

ए और बी तो ये हमारे मतलब कि टू यू वी यू हमारे पास ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया वी हमारे पास ये पूरा बी अपॉन में आपका टू ए हो गया अब इसके बाद बच्चों क्या आता है जब हम इस फॉर्म पर कन्वर्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट में जो सेकेंड टर्म होता है ना बच्चों उसके स्क्वायर आता है अब इसका स्क्वायर मतलब कि b अपॉन टू ए का स्क्वायर आना चाहिए अब अगर मैं b अपॉन टू ए का स्क्वायर यहां पर ऐड कर रहा हूं इक्वेशन चेंज भी ना हो इसलिए जरूरी क्या है

क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ना बच्चों वो आपका निकल के आएगा देखिएगा एक्स प्लस में टू इन बी अपॉन टू ए मल्टीप्लाई किया तो टू तो से हमने डिवाइड भी कर लिया तो देखिएगा प्लस वी का स्क्वायर और वी के स्क्वायर को माइनस भी कर दिया इक्वेशन चेंज ना हो तो बेसिकली बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो इतना पार्ट हमारा क्या बन गया ये बन चुका है बच्चों हमारे पास एक्स प्लस में आपका b अपॉन टू ए का होल स्क्वायर क्या बन गया बच्चों x प्लस में b अपॉन टू ए का होल स्क्वायर और इधर पर अगर हम ध्यान से देखें तो यह वाला पार्ट हमारे पास क्या बन गया सिंपल अगर आप देखो तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर माइनस में सी अपॉन में ए चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों तो एक्स प्लस में बी अपॉन टू ए है ओके बच्चो इसका होल स्क्वायर है यहां पर अगर आप देखिए फोर तो ए को हम यहां पर ऐसे डिवाइड में लिख सकते हैं ठीक है बच्चों फोर ए स्क्वायर को ठीक है फोर ए स्क्वायर और ये बनेगा बी स्क्वायर और माइनस में यहां पर फोर ए सी आ जाएगा तो माइनस का फोर ए सी ये निकल के आ गया अब देखिए अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें देख सकते हो दोनों साइड पर बच्चों अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो बनेगा एक्स प्लस में बी अपॉन टू ए इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी माइनस का फोर ए सी अपॉन में आपका यहां पर फोर ए सी अपॉन में आपका टू ए आ गया ठीक है बच्चों तो इसको अगर हम देखें तो ये जो बेसिकली हमारे पास निकल के आया इसी को हम अगर हम बात करें तो इसको बच्चों हम फॉर्मूले के नाम से जानते हैं ठीक है बच्चों इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, बच्चों? के नाम से जानते हैं। और बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहलाते हैं ठीक है बच्चों ये जो आपने अप्लाई किया स्टेप नंबर वन डिवाइड कर लिया या नहीं भी करते तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं इसको ये जो मेथड्स बच्चों आपने अप्लाई किया यही क्या है हमारे तरीके से

आपके पास माइनस बी प्लस सॉरी माइनस बी और यहां पर अगर मैं प्लस को अलग लिख दूं तो प्लस बी स्क् माइनस में फोर ए सी अपॉन में आपका टू ए है बच्चों और दूसरा दूसरा हम लिख सकते हैं आपका एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस में स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी अपॉन में टू ए तो मतलब कि बच्चों अगर कभी आपको फैक्टराइजेशन ना बन रहा हो होता है ना कभी कभी कि factorization समझ में नहीं आ रहा कि सर factorization कैसे करें तो अगर ऐसी प्रॉब्लम कभी फेस करनी पड़े तो बिल्कुल नहीं लेना है हमें अपने quadratic equation से A, B, c की values को निकाल लेना वो भी कैसे निकालोगे जैसे कि आपके पास में है ना तो कोई भी क्वाड्रेटिक आपके पास टू एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो तुरंत यहां से कंपेयर कर लो कि ए की वैल्यू टू है बी की वैल्यू थ्री है सी की वैल्यू फोर है और रख करके यहां से हम अपने रूट्स फाइंड कर सकते हैं मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे इस चीज को भी तो पहले तो उसको समझ लीजिए बच्चों तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और यहां से जो फॉर्मूला निकल के आया ठीक है बच्चों एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर रूट अपॉन टू ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ठीक है बच्चों इसको धरा चार्य फॉर्मूले के नाम से भी हम जानते हैं चलिए भाई यहां तक क्लियर है? अब एक क्वेश्चन क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि में कैसे जैसे बाई द मैथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर देख लो स्पेशली बोल दिया कि भाई आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है ठीक है बच्चों देखिए अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोल रहा है तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो कुछ मैंने यहां पर किया था ना वही चीज बेटा आपको यहां पर अप्लाई करनी है आइए देखते हैं एक नजर में जल्दी से फाइव एक्स स्क्वायर माइनस में सिक्स एक्स माइनस में टू इक्वल टू जीरो अब क्या करें अब यहाँ पर तो स्क्वायर का नॉन परफेक्ट स्क्वायर है चाहे तो रूट फाइव लिख सकते हैं लेकिन चलो जो मैंने मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन किया था वही अप्लाई कर, तो कर दिया जीरो बच्चो इक्वल टू जीरो देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस में टू देखिएगा टू इन टू में फर्स्ट टर्म तो एक्स ऑलरेडी आपके पास और अगर आप देखें तो सेकेंड टर्म सिक्स अपॉन में फाइव है लेकिन यहां पर जब टू से मल्टीप्लाई किया तो तो इधर भी टू तो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना तो यानी कि सिक्स अपॉन में टेन हो गया तो यू माइनस का टू यू वी तो प्लस में क्या आएगा बच्चों सिक्स बाई टेन का होल स्क्वायर एंड माइनस में सिक्स बाई टेन का होल स्क्वायर माइनस में टू अपॉन फाइव इक्वल्स टू बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास जीरो अब देखिए तो ये पूरा पार्ट हमारे पास क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो आइए बच्चों देख लेते हैं यहां पर देखिए तो ये बनेगा हमारे पास x माइनस में सिक्स बाई टेन का होल ऑफ स्क्वायर ठीक है बच्चों और इसको अगर हम आरएचएस में लेके चले जाएं तो बेसिकली आएगा थर्टी सिक्स अपॉन में हंड्रेड और ठीक है प्लस में आपके पास टू अपॉन में फाइव आ जाएगा चलिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहां पर अगर हम 100 एलसीएम भी ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा 36 एज इट इज रहेगा और 5 से 10 को 20 तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा 40 ठीक है चलो यहां पर 40 आ जाएगा तो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया x माइनस में 6 10 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 36 40 तो 40 प्लस 30 70 76 कितना आएगा 76 अपॉन में यहां पर आपके पास 100 आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 76 अपॉन में 100 और अब अगर हम ओपन करते हैं इसको तो बेसिकली x माइनस में 6 10 ठीक है बच्चों और यहां से क्या बन जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 76 अपॉन में अगर हम देखें तो यहां पर 10 आ जाएगा और x 6 10 ठीक है

और इसको अगर हम RHS में लेके जाए तो थर्टी सिक्स अपॉन हंड्रेड प्लस में टू 5 तो ऐड तो आ आ तो कर दोन हंड्रेड और स्क्वायर रूट सेवेंटी सिक्स बाई टेन हमारे पास निकल के गए ठीक है बच्चों तो से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं एक बार आप प्लस का साइन ले लोगे एक बार आप माइनस का साइन ले लोगे क्लियर है बच्चों समझ में आया तो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है ठीक है चलिए बच्चों तो ये मेथड अगर आपसे पूछता है स्पेशली तो आप इस तरह से कर सकते हो नहीं तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मुला भी अप्लाई कर सकते हो वहां से भी निकल के आ जाएगा चलिए बच्चों अब एक काम करते हैं छोटी से क्विज करते हैं अब आप सोच रहे हो इतनी देर से सर पढ़ाए जा रहे हो पढ़ाए जा रहे हो आप थोड़ा सा काम करते हैं थोड़ा सा चेंज लेते हैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा बच्चों ठीक है आपको ट्रिक मैं उसके बता दूंगा कैसे करना है फिर आप अप्लाई करिएगा ठीक है बच्चों यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि विच पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं फिर टाइमर स्टार्ट करेंगे विच कॉन्स्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्टेक्टेड किस कॉन्स्टेंट को हम एड और सब्ट्रेक्ट करेंगे टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री बाई फोर इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट टू इक्वल टू जीरो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहां पर एक काम करना बच्चों का तो की नाइन एक्स स्क्स का जरूरत नहीं है ठीक है, है। तो यूज करेंगे तो भाई चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों जल्दी से सॉल्व करिए ए बी सी डी जो भी करेक्ट ऑप्शन है सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके बच्चों सबमिट पर क्लिक करिए बताइए क्या आंसर निकल करके आएगा आपका नाइन एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री बाई फोर ऑफ एक्स तो अगर हम इसको स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो किस कांस्टेंट को ऐड और सेपरेट करेंगे तो जो भी है टाइमर बच्चों स्टार्ट करते ठीक है चलिए एक सेकेंड आ जाओ टाइमर आपका चल रहा है बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बच्चों आपको अपना आंसर लिख करके बताना है कमेंट बॉक्स में बच्चों आपको अपना आंसर लिख करके बताना है ठीक है चलिए वेरी गुड बच्चों हो गया हो गया बच्चों समझ में आ गया चलिए भाई डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सभी ने ट्राई किया होगा हो, तो मेथड है, है? यहां पर हम अप्लाई करें तो बेसिकली हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पर कन्वर्ट करना है किसमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि थ्री टाइम्स एक्स का होल ऑफ प्लस में अगर हम यहाँ पर देखें तो थ्री बाई आपका फर्स्ट टर्म है जैसे कि आपका पूरा का पूरा थ्री एक्स है तो यहां पर आपके पास पूरा का पूरा थ्री एक्स आ गया इन टू में अगर हम यहां पर देखें तो वन बाई आपके पास फोर है कितना है बच्चों वन बाई फोर अब सोचिए टू से आपने यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई किया है तो टू से हम डेनोमीटर में क्या करेंगे, भी करेंगे। तो टू से में आपने भी किया तो थ्री बाई एट बन गया तो हम क्या करेंगे बच्चों जल्दी से सोच के बताइए क्या करेंगे यहां पर बच्चों हम वन बाई एट के स्क्वायर को यहां पर हम एड करेंगे बच्चों ठीक है वन बाई एट के स्क्वायर को हम एड करेंगे और By को बच्चों यहाँ पर हम आपका भी करेंगे क्लियर बच्चों स्क्वायर को आपने एड किया और वन बाई एट के स्क्वायर को आपने किया। उसके बाद माइनस का आपके जो लिखा two, लिखे दिया तो वन बाई एट का स्क्वायर क्या बनता है का मतलब क्या आपके पास वन अपॉइंट सिक्सटी फोर तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहां पर इसका राइट right आंसर आता है कौन सा ऑप्शन आता है बच्चों ऑप्शन नंबर बी ठीक है अब कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर हम यहां पर डिवाइड से डिवाइड कर लेते हैं ठीक है अगर डिफॉल्ट बाईल से डिवाइड करते तो कैसे हम सॉल्व करते हैं ठीक है वैसे द स्क्वायर 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 में अगर का आपका परफेक्ट है ना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन अगर थ्री से डिवाइड करके करते तो शायद ऑप्शन यहां पर आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलते तो चेक कर लेते बेटा उस तरीके से भी ठीक है उस तरीके से भी आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि अगर वैसे हम करते तो हम क्या लिखते क्या ऐड करना पड़ता उस कंडीशन पर देखते हैं यहाँ पर अगर देखो तो ये बनता इन टू में है तो बेसिकली डिवाइड करोगे तो प्लस में यहाँ पर आ जाएगा थ्री से अगर पर देखे तो थ्री बाई नाइन तो नाइन टू में आपके पास फोर इन टू में एक्स माइनस में आपके पास स्क्वायर टू अपॉन में नाइन बनता है इक्वल टू जीरो तो बनता है एक्स स्क्वायर और ये बन जाता है कितना थ्री थ्री या नाइन तो क्या बनता एक्स बाई ट बनता है बच्चों और माइनस में स्क्वायर टू बाई नाइन इक्वल टू जीरो बन जाता नाइन है बेटा यहां पर ठीक है अब देखना तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो एक्स स्क्वायर और प्लस में टू इन टू में एक्स हो जाता बच्चों और इनटू में वन अपॉन में आपका ट्वेंटी फोर आता तब यहां पर आप वन बाई ट्वेंटी फोर को यहां पर ऐड करते और सेपरेट करते तो वो तो ऑप्शन में था नहीं ठीक है तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि भाई परफेक्ट स्क्वायर के टर्म पर

क्लियर है बच्चों चलिए तो यहां पर हमने दो मेथड्स आपके देख लिए दो क्या तीन मेथड एक तरीके से हो गए कि बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यहीं से निकल के आ गया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट अप्लाई करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं चलिए बच्चों अब अगर मैं बात करूं कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि भाई नेचर ऑफ रूट्स जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले रूट्स हमको कैसे मिलेंगे डिस्टिंक्ट मिलेंगे इक्वल मिलेंगे रियल मिलेंगे मतलब कि नो नो रियल मिलेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है तो बच्चों इस पर हम बात कर लेते हैं जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें x इक्वल टू जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू आपके पास जीरो है बच्चों ठीक है यह क्या बच्चों आपके पास एक क्वाडेटिक इक्वेशन है अब अगर बच्चों मैं बात करूं तो जैसे कि आपको मालूम है कि इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इक्वल टू क्या माइनस में बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी अपॉन में टू ए होता है बच्चों ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकल के आ जाता है ठीक है बच्चों अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो टर्म है न बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट हमारी बहुत हेल्प करता है बच्चों बी स्क्वाइनस फोर एसी बहुत हेल्प करता है रूट्स के के रूट्स के 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 नेचर नेचर को डिफाइन करने लिए का मतलब क्या ध्यान से समझिएगा बच्चों माइनस फोर ए सी है ना अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर आपने फाइंड किया और अगर इसकी वैल्यू आपको ग्रेटर देन जीरो मिल जाती है तो इसका मतलब बच्चों जानते हो क्या होता है कि हमको टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे क्या मिलेंगे बच्चों इसका मतलब होता है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपके पास मिलेंगे इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ठीक है बच्चों और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आ जाती है अगर ये जीरो के इक्वल आ जाता है बच्चों तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स मिलेंगे यानी कि जो दो रूट्स मिलेंगे वो इक्वल होंगे हम क्या बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे और थर्ड कंडीशन जो बच्चों आती है वो क्या होती है कि जैसे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर आपका ये लेस देन जीरो है तो इस कंडीशन पर हमको क्या है इस कंडीशन पर इक्वेशन स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू जीरो रियल रूट नहीं मिलते हम क्या बोलेंगे, no हम क्या बोलेंगे no मतलब कि हमको के कोई भी रियल रूट यहां पर नहीं मिलेगा तो ये तीन बच्चों कंडीशन है ठीक है बच्चों तीन कंडीशन है को हम पर D से करते हैं। तो डी ग्रेटर टू जीरोन जीरो ग्रेटर देन और इक्वल दो कंडीशन पर तो हमको रियल रूट्स मिलेंगे लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कोई भी रियल रूट्स उसका नहीं मिलेगा और जो रियल रूट्स नहीं मिलता तो इलेवेंथ क्लास में आप पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में तो वहां पर बच्चों आपको बताया जाता है कि इस कंडीशन पर जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो रूट्स हमको होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ठीक है बच्चों तो उसके बारे में आप इलेवंथ क्लास में पढ़ते हैं वो अभी हमारा स्टडी का पार्ट नहीं है तो अभी हम सिर्फ नहीं समझते हैं कि जब लेस देन होगा तो नो no रियल बोलेंगे ठीक है और बाकी ग्रेटर देन पर roots, 0 पर टू टू रियल रियल एंड 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 इक्वल इक्वल क्लियर हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं आया क्लियर है तो ये बेसिकली अच्छे से नोट कर लो क्योंकि इस पर बेस्ड अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं ठीक है बच्चों चलिए पूरा का पूरा पैकेज हो गया सॉल्यूशन कैसे करना है मेथड्स क्या निकालने हैं नेचर ऑफ रूट सब कुछ बेटा आपको एक लेक्चर में देखने को मिल गया ठीक है बच्चों चलिए भाई तो जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास वैल्यूज ऑफ के के वैल्यूज आपको बतानी है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स प्लस में के इक्वल टू जीरो रूट्स अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स है इक्वल रूट्स है तो के की वैल्यू आपको बतानी है बता है बच्चों के की वैल्यू बतानी है तो यहां पर आपने क्वारिटी का के लिखेंगे सी इक्वल टू हम के लिखेंगे ठीक है बच्चों अब यहां पर बोल रहा है इक्वल रूट्स तो की बच्चों कंडीशन क्या होती है रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है बच्चों जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है बच्चों जीरो के इक्वल होता है ठीक है इक्वल रूट्स कब मिलते हैं जब बी स्क्वायर यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा वो जब आपका जीरो के इक्वल होता है तो अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो बी स्क्वायर तो बनेगा के स्क्वायर माइनस में अगर आप देखो तो फोर टू जा एट और यहां पर के इक्वल टू जीरो फैक्टर बन गया के इन टू में के माइनस में एट इक्वल टू जीरो यहां से क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही है पर यहां पर इसका right answer है बच्चों क्या आपका राइट आंसर होगा क्लियर है तो तुरंत इसकी हेल्प से आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आया समझ में बच्चों चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फॉलोइंग टू डिस्टिंग रियल रूट इनमें से किस इक्वेशन के पास टू डिस्टिंग रियल रूट है तो टू डिस्टिंग रियल रूट की कंडीशन क्या होती है बेटा तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि B में आपका ग्रेटर देन हो क्या हो बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर एसी डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तब टू डिस्टिंग रूट मिलेंगे ठीक है रियल एंड डिस्टिंग रूट चलिए तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पर अगर आप बच्चों चेक करते हैं तो b की वैल्यू यहां पर क्या आपके पास थ्री स्क्वायर रूट टू इसका होल स्क्वायर माइनस में फोर ए सी तो फोर इंटू में टू इंटू में नाइन बाई फोर बताइए क्या आ रहा है square root का square 9 हो गया into में 2, 9, 2 18, और यहां पर फोर से फोर कैंसिल तो यहां पर एटीन माइनस एटीन इक्वल टू जीरो पर तो टू रियल एंड इक्वल रूट मिलने वाले बच्चों तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो पर अगर हम चेक करें तो यहां पर चेक करो लो बच्चों तो, B है, तो B का वन हो गया माइनस में फोर इन टू में वैल्यू आपके पास वन सी वैल्यू माइनस में फाइव अरे वाह तो ये वन प्लस ट्वेंटी कितना आ गया 21, 21 तो ग्रेटर देन है इस पर तो मिलेंगे हमको रियल एंड डिस्टिंग रियल मिलेंगे और डिस्टिंग मिलेंगे ठीक है बच्चों तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है सी पर अगर आप चेक करोगे तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर मतलब कि थ्री का स्क्वायर सी के लिए चेक करो तो यहां पर नाइन आएगा फोर ए सी

और इस कंडीशन पर अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर पर 9 आएगा माइनस में फोर तो इनकेशन है बच्चों तो बच्चो, यही हमारे पास क्या है आपका टू रियल एंड डिस्टिंग रूट देता है बाकी में अगर हम देखें तो रियल एंड डिस्टिंग रूट नहीं मिल रही है क्लियर है बच्चों तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक करके आते हो और इस टाइप का नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस में कई बार आपके में पूछा भी गया है, है बच्चों आगे पर मैं आपको भी तो उसमें आपको तो तो रेडी हो जाए क्विज के लिए हां जी भाई अब क्वेश्चन पढ़ा है तो अब तो क्विज करने की बारी है ही तो जल्दी से एक काम करते छोटा सा नॉलेज टेस्ट करते हैं फिर हम अपने लेक्चर को फिनिश भी करेंगे तो क्विज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स प्लस टू जीरो से बताइए टाइम स्टार्ट कर देते हैं बच्चों टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है तुरंत चुटकियों में आंसर आएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइए जल्दी से बच्चों कमेंट, बच्चो, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिख करके बताना है हो गया बच्चों चलो भाई टाइम अप होता है अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था टू एक्स स्क्ट फाइव इन टू एक्स प्लस वन टू जीरो पर बच्चों अगर हम देखें तो सिंपल बी इक्वल टू आपने, आपने माइनस में स्क्वायर रूट फाइव ले लिया सी इक्वल टू आपने वन ले लिया बी स्क्वायर मतलब कि फाइव हो गया माइनस में फोर इन टू में अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू टू और सी की वैल्यू यहां पर वन तो क्या आएगा ये तो लेस देन जीरो हो गया ना बच्चों ये तो 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 हो गया, 5 में 4, 8, less than 0, तो मतलब कि no right बच्चों, right तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर राइट आंसर तो भाई अगर हम बात करें तो आज के इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है उसके मेथड्स में फैक्टराइजेशन जो कि ऑलरेडी काफी सारे बच्चे आपको आता है जो कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोम के फैक्टराइजेशन में हमने ऑलरेडी सीखा था नाइन्थ क्लास में भी सीखा था और टेंथ में भी हमने उसको सीखा था देन बच्चों अगर मैं बात करूं उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और उससे बनने वाला आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये मेथड से बच्चों जिनके हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो उसका आता है वो आपका नेचर ऑफ रूट्स ठीक है बच्चों तो बेसिकली ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है नेचर ऑफ रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से पूरा आइडिया लग चुका है अब इस चैप्टर का अगर बचते हैं तो वो है हमारी वर्ड प्रॉब्लम जिस पर बेस्ड थ्री से फोर मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ठीक है बच्चों चलिए तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा एक तो क्वेश्चन आपके पास ये है किसके आपको रूट्स फाइन करने हैं दो इक्वेशन आपके सामने दिए गए हैं ठीक है और सेकेंड आपके पास से एक वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करने को दिया है कि आप लोग ट्राई जरूर से करना ठीक है इसको आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा बच्चों ठीक है चलिए तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है क्वेश्चन चेक कैसे करना है आपको सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना है फिर अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डाउट नेट ऐप पर क्वेश्चन की फोटो क्लिक करनी है और इंस्टेंट आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आप अपने होमवर्क को चेक भी कर पाओगे क्लियर है बच्चों चलिए तो जरूर से अपने होमवर्क को चेक करिएगा नेक्स्ट में बच्चों वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेक्चर होगा वो तो सभी बच्चे जुड़िएगा मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू